ये पोटेंशियोमीटर पे एक क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं। तो यहां से, तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग करते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है, बेसिकली ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि जिसका लेंथ एल है, कैपिटल एल, कनेक्टेड टू स्मॉल आर, सीरीज में कनेक्ट है। चलो, तो यहाँ से एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ एल है, स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज बैटरी ईएमएफ ई एन ई नॉट। तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ एल है और रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई नॉट। चलो पहले बना लेते हैं। तो ये जो डेटा बात कर रहा है, ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है बच्चों, ठीक है। हम सबको पता है कि प्राइमरी सर्किट ये वाला होता है, मेन सर्किट पोटेंशियोमीटर का, जिसमें ये है ई नॉट और ये आर है और ये लेंथ एल है। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ एल है, इसको मैं ए बी बोल देता हूँ। दिस लेंथ इज कॉल्ड ए बी। इसको मैं, इस लेंथ को, पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ को मैं ए बी बोल देता हूँ। क्लियर है? ये प्राइमरी सर्किट है, मेन सर्किट है। कहता है कि बैटरी आप ये में है एंड रेजिस्टेंस आर वन। पोटेंशियोमीटर जो वायर है, एक अच्छे से यहाँ से ध्यान देना, पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ एल है और रेजिस्टेंस आर है। तो ये जो वायर यूज हुआ है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और जो ईएमएफ जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन है, ठीक है। ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस आर वन ई नॉट, ये जो है वो बैटरी का डेटा है। अननोन ईएमएफ बैलेंस लेंथ एल वन। अब यहाँ से जो अननोन सेकेंडरी सर्किट में यहाँ से आता है अननोन प्लस माइनस, और ये गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से बैलेंस कर लिया प्लस माइनस अननोन ईएमएफ ई बैलेंस लेंथ एल। ये वाली जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ। कहता है ईएमएफ अननोन की वैल्यू निकालनी है, ये जो अननोन ईएमएफ है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू अगर आप बेसिक पढ़े हो थोड़ा सा भी, तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। एक चीज़ होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि कोई लोग के से डिनोट करता है, कोई लोग लैम्डा से डिनोट करता है। पोटेंशियल ऑफ वायर ए बी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ वायर ए बी पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है, तो इतनी जो बैलेंसिंग लेंथ है एल वन, ये जो पोटेंशियल है ए सी का, यही तो ई एम एफ ई होता है भाई। तो ई एम एफ ई जो है वो पोटेंशियल अक्रॉस ए सी दैट इज के एल, ये तो सबको पता होगा। यही बैलेंसिंग लेंथ के केस में ये वाली जो ई एम एफ है, ये पोटेंशियल वायर ए सी के इक्वल होता है। मतलब यही हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन इसी के फॉर्मेट में रहेगा। मतलब सोल्यूशन में ई एम एफ में एल से मल्टीप्लाई होगा ही, एल से अगर मल्टीप्लाई होगा तो तुम अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे, या तो ये सही है, ये कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर में एल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कि कोई कॉन्स्टेंट आ रहा सोल्यूशन में और यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो ये यहां पर अगर तुम देखोगे, तो यहां से, हाँ एक मिनट, यहां पे एक इमेज आया था, तो हाँ मतलब ये देखो, मतलब अगर जो सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन है प्यारे बच्चों, इस वाले फॉर्मेट में रहेगा, तो या ये तो कभी सही नहीं हो सकता, इसमें एल से मल्टीप्लाई, या तो ये सही है और ए भी कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है, ये एल छुप गया था तो ये आ रहा था, या तो ये सही है या तो ये सही है, क्योंकि के कॉन्स्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात, के कॉन्स्टेंट है, उस कॉन्स्टेंट में एल से मल्टीप्लाई होगा, तो 50-50 तो हमारा काम हो ही गया यार। अब फाइनली टारगेट हमारा k की वैल्यू निकालना, तो k की वैल्यू कैसे निकाला जाए बच्चों, बोलो। तो k की वैल्यू निकालने का तरीका, k क्या है बोलो, k पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी और मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल लेंथ l। अब पोटेंशियल ए बी कैसे निकाला जाए यार, पोटेंशियल ए बी निकालने का तरीका है, पोटेंशियल ए बी इज इक्वल टू करेंट i और मल्टीप्लाइड बाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ए बी है, करेंट i और मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये तो इस सर्किट में
जो करंट है भाई इस वाले सर्किट में बैलेंसिंग के केस में, तो इसमें कोई करंट फ्लो होगी नहीं यार, इसमें एसी रीडिंग जीरो आएगी, तो इसमें एक करंट आई फ्लो होगी और उस आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू मेन वोल्टेज ई नॉट और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर वन और मल्टीप्लाइड बाई आर, दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। तो अगर के की जो वैल्यू आ जाएगी तो ई नॉट स्मॉल आर और कैपिटल एल आर प्लस आर वन, ये वाली चीज़ हमारी आ गई के, ये उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो अगर ये उठा के यहाँ रखोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इसको देख लो। तो ई एम एफ ई जो अननोन ई एम एफ है, इसमें एल से मल्टीप्लाई कर दो, ई नॉट एल आर और डिवाइडेड बाई कैपिटल एल स्मॉल आर प्लस आर वन, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज मतलब डी ऑप्शन सही है, ये गलत है, ठीक है। तो डी वन इज द, दिस वन इज द करेक्ट। आई होप कि समझ में आ गया होगा।